Hey, all physics lovers, this is Brajesh Chaudhary, and you're watching the Quantum Guru in the series of lectures on simple harmonic motion. In this lecture, I'll continue the spring mass system. We'll take the few more variety of question of a spring mass system. So let's continue. तो स्प्रिंग मास सिस्टम के ऑसिलेशन में एक इम्पॉर्टेंट केस होता है जिसमें एक स्प्रिंग दो मासेस से अटैच कर दी जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, और इनको हमने एक स्मूथ सरफेस पे रख दिया और दोनों मासेस को हमने पहले रेस्ट पर थे उसको खींच करके छोड़ दिया। तो हमें इन दोनों मासेस के टाइम पीरियड निकालने हैं, हमको देखना है कि क्या दोनों के टाइम पीरियड सेम आते हैं या किसी के एक ज्यादा होता है या कम होता है। तो इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज करना चाहता हूँ ताकि उसमें एक नया कॉन्सेप्ट लग जाए। और वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी भी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट एक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट होता है जो उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। स्प्रिंग कांस्टेंट और उसकी नेचुरल लेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो ये एक स्प्रिंग है और इसकी नेचुरल लेंथ है कुछ, मान लेते हैं। और मैं सोचता हूँ कि पहले इसके सेंटर मास को सोचते हैं। इन M1 और M2 का सेंटर मास कहीं तो होगा। मान लो कि इनका सेंटर मास इज समवेयर ऑन दिस लाइन, दिस इज द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हियर द सेंटर ऑफ मास इज। और ये जो सेंटर ऑफ मास है M1 से, मान लो कि से L1 लेंथ दूरी पर है, और M2 से ये L2 दूरी पर है। तो सेंट्रल मास की प्रॉपर्टी है कि सेंट्रल मास किसी सिस्टम का वो पॉइंट है जिसके बहुत मास मूवमेंट का समेशन जीरो होता है। तो ये अगर सेंट्रल मास है तो आप लिख सकते हो M1 L1 इज इक्वल टू M2 L2 अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ सेंट्रल मास। तो हम लिख सकते हैं L1 by L2, यहाँ लिख देते हैं L1 by L2 इज इक्वल टू M2 by M1। अभी जो मैंने बोला था स्प्रिंग की प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, किसी स्प्रिंग के लिए के इंटू उसकी लेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं ओरिजिनल स्प्रिंग की बात करूं तो इस ओरिजिनल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के था और इसकी टोटल लेंथ थी L1 plus L2। और मैं इसको ऐसा सोचता हूं कि दिस स्प्रिंग कैन बी थिंक ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K1 and K2 इन सीरीज। तो इन पार्ट्स के स्प्रिंग कांस्टेंट मान लिया K1 और K2 है, तो इसी डेफिनेशन हिसाब से K इनटू लेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो ओरिजिनल का K था, ओरिजिनल की लेंथ L1 प्लस L2 है, इस लेफ्ट वाली पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसकी लेंथ L1 है, राइट वाले की स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, लेंथ L2 है। तो K1 की वैल्यू आप देख पा रहे हो इज इक्वल टू K L1 plus L2 by L1। और ये जो ऊपर का रिलेशन दिख रहा है आपको दिखना चाहिए कि L1 और L2 मास के इनवर्स रेशियो में, और यहाँ थोड़ा कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दो या सिर्फ इस बात का यूज करो कि L1 और L2 मास के इनवर्स रेशियो में है। तो आप इसको अरेंज कर पाओगे K M1 plus M2 by M2। इसी तरह से K2 को लिखा जा सकता है, तो K2 कैन बी रिटन एज अ K M1 plus M2 by M1। तो हमारे पास ये दो चीज आ गए। अब देखो, अब ये सिस्टम अभी रुका हुआ है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो अगर मैं बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं और सिस्टम स्टार्टिंग पर रेस्ट पर है तो ये हमेशा रेस्ट पर रहेगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू मूव। तो अगर सेंटर ऑफ मास नहीं हिलने वाला है तो स्प्रिंग का ये पॉइंट जहां पर इसका सेंटर मास है वो एक स्थिर बिंदु होगा, यानी कि स्थिर पॉइंट होगा। तो क्या आप इसको कुछ ऐसे सोचने की कोशिश नहीं कर सकते हो कि ये एक हमारे लिए फिक्स सपोर्ट है, और इस फिक्स सपोर्ट से अगर ऐसे कर दो तो आपको एक स्प्रिंग मास सिस्टम M1 और K1 लेफ्ट साइड में दिख रहा है और एक स्प्रिंग मास सिस्टम M2 और K2 राइट साइड में दिख रहा है। और अगर अब मैं कुछ इस तरह से फोर्स लगा करके छोड़ दूं कि नेट फोर्स जीरो, मतलब इधर भी खींचो इधर भी खींचो और खींच के छोड़ दूं, तो सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स आया नहीं, सेंटर मास अपनी जगह पर रुका हुआ है, और इसको मैं एक नहीं, इसको मैं दो स्प्रिंग मास सिस्टम की तरह देख रहा हूँ कि एक हमारा K1 M1 का सिस्टम है और एक K2 M2 का सिस्टम। तो इनको हमने डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करके कुछ इस जगह पे ला करके छोड़ दिया यहाँ पर। तो ये अभी भी ये वाला जो पॉइंट है स्प्रिंग का वो अपनी जगह पर है, और इधर लेफ्ट वाला जो पार्ट है
इधर का स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के वन और ये एम वन। तो हमें यहाँ से इस जगह से यहाँ से इसको यहाँ तक लाके छोड़ा था, तो इस पार्ट का मोशन कुछ ऐसा होगा। और इसी तरह से इधर वाला साइड जो है वो राइट साइड, ये इसको मैं फिक्स पॉइंट भी रोटेट कर रहा हूँ, जो राइट साइड है, राइट साइड का स्प्रिंग कांस्टेंट के टू है, मास एम टू है, और इसको मैंने यहां से छोड़ा और ये कुछ ऐसा चलेगा। यू और यू कुछ चीजें तो हम तुरंत समझ सकते हैं। जब हमने मोशन की शुरुआत की तो स्टार्टिंग में रस पे थे और वहां से चलाना शुरू किया, इक्विलिब्रियम में थे, तो मेन पोजीशन से दोनों चले और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर एक मास रुकेगा, स्टार्टिंग में मोमेंटम जीरो था तो हर समय जीरो होगा, यानी कि जब एम वन अपनी एक्सट्रीम पोजिशन पे पहुंचेगा तो एम टू भी होगा, लेकिन उनके मोशन अपोजिट होंगे, तो दे आर गोइंग टू ऑसिलेट इन अपोजिट फेज, यानी कि पाई के फेज डिफरेंस से ऑसिलेट करेंगे। अगर मैं सिर्फ एम वन का इंडिपेंडेंटली टाइम पीरियड लिखूं तो एक सिंगल स्प्रिंग मास सिस्टम है, विच इज फिक्स स्प्रिंग इज फिक्स फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट कनेक्टेड टू अ फिक्स सपोर्ट, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा टी वन इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम वन बाई के वन। और हमने जो के वन की वैल्यू निकाली है, उस के वन की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर रख दूँ, ये निकाला है के वन, तो के वन की वैल्यू को रख देंगे तो हो जाएगा ये डिनोमिनेटर के एम टू ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू एंड दिस होल थिंग डिवाइडेड बाई के। ये आ गया हमारा टी वन का टाइम पीरियड, एम वन का टाइम पीरियड। इसी तरह से एम टू का टाइम पीरियड लिखूंगा तो ये मिलेगा हमको 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम टू बाई के टू, और के टू की वैल्यू ऐसे उठा करके रख दूं तो आप चेक करो, आपको वही चीज मिलने वाली है जो एम वन का टाइम पीरियड मिल रहा है, यानी कि आ गया 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू एंड दिस डिवाइडेड बाई के। तो ये दोनों तो एक ही टाइम पीरियड आ गया, यानी कि अगर एक स्प्रिंग और दो मासेस कनेक्टेड हो, आप इसको खींच के छोड़ दो, देर विल बी वन सिंगल टाइम, तो बोथ ब्लॉक विल मूव विद द सेम टाइम पीरियड इन द अपोजिट फेज। तो इस रिजल्ट को मैं अगले पेज पे समराइज कर देता हूँ। तो जैसे अगर ये हमारे पास के है और ये सपोज दिस इज एम वन एंड दिस इज एम टू, तो इस सिस्टम का टाइम पीरियड हम लिखते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, अभी मैंने यहां पर लिखा था एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू डिवाइड बाई के, और ये जो एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये ऑब्वियसली मास के डायमेंशन की चीज है, तो इसको मैं सोच सकता हूँ कि इसको कुछ ऐसे लिख दिया जाए न्यू बाई के, वेयर म्यू इज इक्वल टू एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू एंड दिस म्यू इज कॉल्ड द रिड्यूस मास ऑफ दिस सिस्टम। और दिस कॉम्बिनेशन कैन थिंक ऑफ, इसके बजाय मैं सोच सकता हूँ कि हमारे लिए एक अल्टरनेट सिचुएशन है जिसमें आप एक फिक्स सपोर्ट से उसी स्प्रिंग के को कनेक्ट कर दो, लेकिन एक जो मास आपको लगाना है वो मास एम वन नहीं होगा, एम टू नहीं होगा, बल्कि उनका रिड्यूस मास होगा। तो इसका इक्विवेलेंट ये हो गया कि हम एक फिक्स सपोर्ट लें, उसके एक एंड से स्प्रिंग को कनेक्ट कर दें और दूसरे एंड से एक म्यू मास के ब्लॉक को कनेक्ट कर दें, तो हमारे पास वही टाइम पीरियड आ जाएगा जो ये टाइम पीरियड है, एंड फिर म्यू इज दिस। नेक्स्ट कुछ इस तरह के प्रॉब्लम देखना जिसमें एक से ज्यादा स्प्रिंग हो, पुली हो और मासेस हो, तो इस सिस्टम का मुझे टाइम पीरियड निकालना है। तो देखते हैं, इसके मास को मैं बोल देता हूँ एम, इस स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट को बोल देता हूँ के वन, इस स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट को बोल देता हूँ के टू। मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमें किस तरह से स्प्रिंग का टाइम, स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड निकालना है, एंड फॉर दैट मैटर किसी भी सिस्टम का। तो आप क्या करते हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो, डिस्प्लेस पोजीशन में एफबीडी बनाते हो, एफ नॉट इज इक्वल टू एम एस सॉल्व करते हैं, अरेंज करते हैं। तो जब आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन पता है तो फिर बहुत आसानी से हो जाएगा।
अगर हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने में दिक्कत है तो हम अपना एफर्ट वेस्ट नहीं करेंगे, इक्विलिब्रियम निकालने में अपने आप निकल ही आएगा। तो जब इस तरह के एक से ज्यादा स्प्रिंग लगी हो तो आप क्या करो, स्टार्ट कहाँ से करो, स्टार्ट करो वहां से जहां से स्प्रिंग पूरा नेचुरल लेंथ है। तो हमारे लिए ये स्थिति है, ये स्थिति में अभी ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, ये नेचुरल लेंथ पर है, और ये ब्लॉक को मैं यहां से चलाऊंगा, ये ब्लॉक यहां से चलना है, और ये मेरा x इज इक्वल टू जीरो की पोजीशन है। तो अब मैं ब्लॉक को, अच्छा ये दिस इज अ फिक्स सपोर्ट एंड दिस इज ऑल्सो फिक्स सपोर्ट। अब ब्लॉक को मैं थोड़ा सा, जो स्थिति अभी की दिख रही है, जो स्थिति में दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, वहां से मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा और इसको खींचूंगा, नीचे खींचूंगा, तो उसके नीचे खींचने से दोनों स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा, उनके एलोंगेशन और ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन लिखेंगे, कुछ फोर्सेस एफबीडी बनाएंगे एंड सो ऑन, फिर सॉल्व करेंगे। तो मान लो कि मैं इस ब्लॉक को नीचे थोड़ा सा पुल करता हूँ बाय एन अमाउंट एक्स, तो हमने इसको खींचा और अब क्या होगा, अब अगर इसको मैंने खींचा तो दोनों ही स्प्रिंग खींचेगी। अब ऊपर वाली स्प्रिंग को देखो, इस स्प्रिंग का ये एंड फिक्स्ड है, तो अगर ये खींचेगा तो यही वाली लेंथ आगे बढ़ेगी, यानी कि स्प्रिंग का ये वाला एंड नीचे जाएगा। और इस ब्लॉक के एक्स खींचने से अगर मैं मान लूं कि इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन से एक्स वन आ गया, तो क्या एक्सटेंशन एक्स वन आने का मतलब ये हुआ, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट तो नहीं चल सकता, तो ये वाला जो पॉइंट है स्प्रिंग का, ये वाला पॉइंट जितना चलेगा उतना ही एक्सटेंशन होगा, और जितना ये पॉइंट चलेगा वही इस पुली का डिस्प्लेसमेंट होगा, यस नो? तो अगर ऊपर वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन एक्स वन हो गया तो हम ये बोलेंगे कि इस पुली का जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट एक्स वन हो गया। अब अच्छा, अगर इसमें एक्सटेंशन हो गया तो, और ये पुली मासलेस है, कुछ ना बोला जाए तो यू विल टेक फॉर द ग्रांटेड दैट द मास इज पुली आर मासलेस, तो ये इसमें पुल आएगा तो इस पुल को एक पुल ही बैलेंस कर सकता है ना, तो यानी कि ये वाली स्प्रिंग में भी एक्सटेंशन होगा। तो अगर एक्सटेंशन हुआ तो मान लेते हैं कि चलो इसका जो एक्सटेंशन है ये वाले का एक्सटेंशन से एक्स टू हो गया, तो ये इस स्प्रिंग का ये वाला एंड ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर एक्स टू जाएगा, क्योंकि नीचे वाला एंड तो फिक्स्ड है, तो ये ऊपर की ओर एक्स टू जा रहा है। ऊपर की ओर एक्स टू जाने का मतलब मुझे कुछ वेज कांस्टेंट के काम करना है, तो ऊपर की ओर एक्स टू जाने का मतलब ये हुआ कि नीचे की ओर माइनस एक्स टू जाना, तो ये जो मास, ये जो स्ट्रिंग का ये वाला एंड है ये नीचे की ओर माइनस एक्स टू जाएगा, और जितना ये मास आएगा उतना ही ये रस्सी का ये वाला पॉइंट नीचे चला आएगा एक्स। अब मैं स्ट्रिंग कांस्टेंट इतने पार्ट पे तो लगा ही सकता हूँ, क्योंकि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये एक फिक्स पार्ट है, तो हम फिक्स पार्ट में पुली कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो पुली कांस्टेंट ये जो इससे अटैच पार्ट है, इस इतने पार्ट में जो रस्सी है वो इन एक्सेस पे, तो यहाँ पर अगर आप पुली कांस्टेंट लगाओ तो उसमें होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुली इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ द स्ट्रिंग, तो पुली का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है, यानी कि आप लिखोगे ट्वाइस ऑफ x1 इज इक्वल टू माइनस x2 प्लस x, यानी कि हम लिखेंगे ट्वाइस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x, मेरा पहला इक्वेशन। अब थोड़ा सा इनका, इसका पुली का एफबीडी बनाते हैं, इस पुली का अगर मैं एफबीडी बनाऊं, यहां बनाता हूं पुली का एफबीडी, तो पुली ऊपर वाली स्प्रिंग से अटैच्ड है, एलोंगेट हो गई, तो इस पर ऊपर की ओर फोर्स लग जाएगा के वन एक्स वन, और लेफ्ट साइड वाली जो स्प्रिंग है वो भी एलोंगेट हो गई, तो यहां से जो फोर्स आएगा वो जाएगा के टू एक्स टू, और स्प्रिंग कनेक्टेड है तो एक ही टेंशन होता है मासलेस, यानी कि इधर रस्सी का भी टेंशन जो होगा वो के टू एक्स टू हो जाएगा, और ये मासलेस पुली, दिस पुली इज मासलेस, तो मासलेस पुली है, तो आप एक और इक्वेशन लगोगे के वन एक्स वन इज इक्वल टू टू के टू एक्स टू। तो यहां मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो मैं यहां से एक्स वन की वैल्यू उठाता हूं, यहां रखता हूं, एक्स वन की वैल्यू रखा मैंने टू ऑलरेडी है, एक्स वन की वैल्यू रख दिया मैंने
k2 x2 and divide by k1 और x2 is equal to x. x2 कॉमन ले लू मैं तो मुझे मिलेगा 4k2 प्लस k1 और इधर चल करके हो गया k1x, यानी कि x2 का काम है मुझे, x2 is equal to हो जाएगा k1x divided by k1 plus 4k2. x2 मुझे इसलिए निकालना था क्योंकि अब मैं इस मास का FBD बनाने वाला हूं. तो कैपिटल M का FBD बनाते हैं, कैपिटल M का इधर FBD बनाया मैंने, दिस इज कैपिटल M. इसको मैंने क्या किया, नीचे x डिस्प्लेस किया था, तो मान लेते हैं कि इसका एक्सलेशन a आ गया, नीचे की ओर इसका वेट आ गया mg, और ऊपर की ओर इस स्प्रिंग का फोर्स आएगा, कितना हो जाएगा k2x2. इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे इस पर. तो इस पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, ma इज इक्वल टू एफ नेट. ma इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू ma, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस k2 x2 प्लस mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, और x2 की वैल्यू जो हमने यहां से निकाली उसको उठा करके यहां पर लाके रखना है. और ये करने के पहले मैं इसको m से डिवाइड कर दूं, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस k2 बाई m x2 प्लस g. ये देखो, ये जो g है ये कुछ करने वाला नहीं है, बस ये मीन पोजीशन को शिफ्ट कर देगा, है कि नहीं. तो खैर, ये वाला पार्ट हमारे लिए, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, और इस x2 में x छिपा हुआ, तो a की वैल्यू आ जाएगी, इस x2 को उठाओगे तो a की वैल्यू आएगी माइनस k1 k2 डिवाइड बाय, एक m ऑलरेडी है, k1 प्लस 4k2 इनटू x एंड प्लस g. तो हमें हमें कुछ इस फॉर्म में पहुंचना है. अगर मैं कुछ a इज इक्वल टू माइनस सम ओमेगा स्क्वायर x माइनस x नॉट पे पहुंच जाऊं, तो मेरा प्रूव हो जाएगा कि ऐसा चम है जिसका ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगा और ये इसका मीन पोजीशन होगा. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द मीन पोजीशन, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द टाइम पीरियड. तो ये जो आपको दिख रहा है इसको थोड़ा सा ऐसा अरेंज कर लो. इसमें आप क्या करो, इस पूरे में इतना कॉमन ले लो, दिस होल थिंग टेक कॉमन. तो अगर इसको पूरा का पूरा कॉमन ले लिया जाएगा, ये जो दिख रहा है इसको एज अ होल कॉमन ले लू मैं, तो आगे हमें मिलेगा सम एक्स माइनस एक्स नॉट, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्स नॉट, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस. सो दिस इज व्हाट यू कैन सी, दिस इज द ओमेगा स्क्वायर. यहां से ये प्रूव हो गया कि मोशन एस एच एम है और ये इसका ओमेगा स्क्वायर है, यानी कि दिस इज एस एच एम विद ओमेगा इज इक्वल टू k1 k2 डिवाइडेड बाई m k1 प्लस 4k2. इट्स बिकम अ बिट कंजेस्टेड, थोड़ी सी स्पेस लेके लिख देता हूं ना. तो ये एस एच एम हो गया और इस एस एच एम का ओमेगा आया स्क्वायर रूट ऑफ, आप चाहो तो इसको सोच सकते हो कुछ के इक्विवेलेंट बाई m लिख सकते हो, and t is equal to 2 pi square root of m upon k equivalent. And what is k equivalent? K equivalent है ये जो दिख रहा है, ये k equivalent है, इसकी dimension k की है. तो इसका effective spring constant, इसका k equivalent अगर आपसे पूछा जाए तो this k equivalent is ऊपर वाला k1 है और नीचे वाला k2, तो k1 k2 अपॉन k1 प्लस 4k2, ये इसका k equivalent हो गया. और फिर इसका टाइम पीरियड हो गया m अपॉन 2 पाई इनटू स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k equivalent, ये हमारा टाइम पीरियड है. इसी में थोड़ा स्लाइट वेरिएशन और देखते हैं इसी टाइप में, जो इसमें भी वैसे ही करेंगे. ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बोल देते हैं इसे k1 है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है. इधर मास लगा है m को, मान लिया कि शुरू में दोनों नेचुरल लेंथ पर हैं, और अब मैंने क्या किया, इस मास को डिस्प्लेस कर दिया बाय एन अमाउंट x, और ऐसा करने से इसमें एक्सटेंशन आ गया x2 और इसमें एक्सटेंशन आ गया x1. ऊपर वाली स्प्रिंग से शुरू करते हैं, हमने बोला कि इसको नेचुरल लेंथ से शुरू करते हैं, ये पॉइंट रुका हुआ है,
तो जितना एक्सटेंशन होगा उतना ही स्प्रिंग का ये एंड चलेगा और उतना ही इस रस्सी का ये एंड चलेगा, यानी कि रस्सी का इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया अपना एक्स पर, और ये वाली रस्सी एक फिक्स पॉइंट से जुड़ी है तो इसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट है, और फिर इन सारे पॉइंट के कोई डिस्प्लेसमेंट हुए तो इस साइड के रस्सी के किसी भी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो। और अब इस पुली का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट का एवरेज हो जाएगा, और इनका एवरेज होगा, ये एवरेज की वैल्यू हो जाएगी कितनी, एक्स वन बाई टू। और अब देखो ये जो आपको स्प्रिंग दिख रहा है, इस स्प्रिंग का इलोंगेशन एक्स टू है, नीचे वाला एंड एक्स जा रहा है और ऊपर वाला एंड नीचे की ओर एक्स वन बाई टू जा रहा है। नीचे वाला एंड और ऊपर वाले एंड अगर बराबर चलेंगे तो कोई इलोंगेशन होगा ही नहीं, नीचे वाला एंड ऊपर वाले से ज्यादा चलेगा तो इलोंगेशन होगा, कम चलेगा तो कंप्रेशन होगा, और चूंकि इसमें इलोंगेशन हुआ है तो इसका जो नेट इलोंगेशन एक्स टू है वो आप लिखोगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोअर एंड विद रिस्पेक्ट टू अपर एंड, यानी कि एक्स माइनस एक्स वन बाई टू। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स टू प्लस एक्स वन बाई टू इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स वन प्लस टू एक्स टू इज इक्वल टू टू एक्स। इसका आगे यूज करना, और पहले की तरह इधर इस पुली का अगर मैं एफबीडी बना लूं, तो इसका एफबीडी बनाऊंगा तो ऊपर से फोर्स लग रहा है इधर से के वन एक्स वन, और इस साइड के स्ट्रिंग का भी फोर्स हो जाएगा तो के वन एक्स वन, और नीचे के स्प्रिंग का फोर्स हो गया के टू एक्स टू। तो अब ये पुली मासलेस है, यानी कि आप लिखोगे ट्वाइस के वन एक्स वन इज इक्वल टू के टू एक्स टू। तो मुझे चाहिए एक्स टू क्योंकि मुझे एम का एफबीडी बनाना है, तो स्प्रिंग फोर्स के टू एक्स टू होगा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक्स वन की वैल्यू, ये एक्स वन, इसमें एक्स वन की वैल्यू यहां से उठा के रख देंगे, तो एक्स वन यू कैन सी फ्रॉम हियर इज इक्वल टू के टू एक्स टू डिवाइड बाई टू के वन, ये है हमारा एक्स वन, के टू एक्स टू डिवाइडेड बाई टू टू के वन, टू के वन दिस इज एक्स वन, एंड प्लस टू एक्स टू इज इक्वल टू टू एक्स, यानी कि हो जाएगा हमारा कितना के टू प्लस फोर के वन, के टू प्लस फोर के वन इन टू एक्स टू, और ये यहां से जाकर के बन जाएंगे फोर के वन एक्स, यानी कि एक्स टू की वैल्यू आएगी फोर के वन डिवाइडेड बाई के टू प्लस फोर के वन इन टू एक्स। तो ये आ गया काम। नाउ अब हमें एम का एफबीडी बनाना है, इसको मैंने डिस्प्लेस किया नीचे, तो डिस्प्लेस करने से मान लो कि इसका एक्सलेशन आ जाए ए, और नीचे की ओर इसका वेट एम जी, और ऊपर की ओर स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स जो कि हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका के टू एक्स टू, दिस इज के टू एक्स टू। तो स्प्रिंग मास सिस्टम है, मास का इक्वेशन लिखूंगा मैं, इसका इक्वेशन लिखूंगा एम ए इज इक्वल टू एफ नेट, एफ नेट इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सलेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो एफ नेट इज इक्वल टू आ गया माइनस के टू एक्स टू प्लस एम जी, पहले की तरह एम से डिवाइड करो आपको मिलने वाला है माइनस के टू एक्स टू बाई एम प्लस जी, एक्स टू की वैल्यू उठा के रखें तो एक्स टू की वैल्यू उठाएंगे तो मिलेगा माइनस फोर के वन के टू डिवाइडेड बाई के टू प्लस फोर के वन एंड होल डिवाइडेड बाई एम इन टू एक्स एंड प्लस जी। तो मैं पहले की तरह इसमें एक्स का जो कोफिशियंट है उसको कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं कॉमन ले लूं तो हमको मिलेगा ए इज इक्वल टू माइनस फोर के वन के टू डिवाइडेड बाई एम इन टू फोर के वन प्लस के टू इन टू एक्स माइनस एक्स नॉट, दैट एक्स नॉट कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यही है ओमेगा स्क्वायर,
इसका मतलब कि ये मोशन हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसका टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा, और इसको अगर मैं ये जो दिख रहा है ये ओमेगा स्क्वायर है तो 2 पाई बाई ओमेगा रखना है, यानी कि इसको अगर अरेंज कर दिया जाए तो एम और हो जाएगा 4K1 + K2 डिवाइडेड बाई 4K1 K2। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का। तो अब की बार ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा चीजों को आसान करने के लिए मैं दोनों स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट को बराबर रख देता हूं, मास को एम रख देता हूं, इसका टाइम पीरियड निकालना। अब थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे, तो आप एक चीज समझो, जब आपको फास्ट काम करना हो तो आपको क्या करना चाहिए, एम ए इज इक्वल टू एफ नेट के बजाय यू शुड राइट एम ए इज इक्वल टू एफ रिस्टोरिंग, अगर हमको सिर्फ टाइम पीरियड निकालना है। क्योंकि जो कांस्टेंट फोर्स होता है उसका काम सिर्फ इतना ही होता है, नेट फोर्स में जो कांस्टेंट फोर्स होता है उसका काम सिर्फ मीन पोजीशन को शिफ्ट करना होता है। अगर मीन पोजीशन निकालना है तो उसको लूंगा, अगर सिर्फ टाइम पीरियड निकालना है तो मैं सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स लिखूंगा तो पूरा टाइम पीरियड आ जाएगा। तो देखो शुरुआत किया जाए, तो सेम काम नेचुरल लेंथ से शुरू किया और इसको मैं बाई एन अमाउंट एक्स खींच देता हूं। अगर ये एक्स चला, ये जितना चला मास चला उसी के साथ मेरा ये पुली चला, यानी कि पुली का डिस्प्लेसमेंट एक्स, और ये एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, इन सब का डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो इस पुली का ये जो एंड है, ये वाला एंड है ना, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का जो सम है ये डबल, तो क्या ये हमारा 2x नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में इन दोनों का इसका और इसका एवरेज ये था, तो ये 2x आ गया। और देखा जाए, अच्छा अगर मैं इस पुली का FBD बना देता हूँ, है ना, इस पुली का ऊपर किस पुली का FBD, इस पुली का FBD बनाता हूँ, तो नीचे से अभी ये तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस बात को समझो आप, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है और एलोंगेशन अभी हमें देखना है। इसका एलोंगेशन अगर एक मिनट के लिए मैं बोल दूं x1 है और इसका एलोंगेशन x2 है, तो इस पुली का FBD बनाओगे तो ऊपर से इधर से क्वेश्चन आएगा kx1 और नीचे से इक्वेशन बनेगा kx2, यानी कि क्योंकि तो अगर इसका एलोंगेशन x2 है तो क्या आप लिखोगे 2kx1 इज इक्वल टू kx2, k एंड k गेट्स कैंसल्ड, यानी कि ये जो पुली हमको दिख रहा है x2 की वैल्यू ऊपर वाले पुली के एक्सटेंशन का डबल होगी, तो इस बात को हमें यूज करना है प्राइस ऑफ x1। तो अभी आते हैं यहाँ पर, तो अब मैं इस पॉइंट से आगे शुरू करता हूँ, ये अगर फिक्स है तो इन सारे पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, और इसको x1 बोला तो इस पुली का इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट x1 ही हो गया, और ये हो गया हमारे पास, अच्छा इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा पुली का वो इन दोनों का एवरेज होगा, तो ये आ जाएगा कितना x1/2। ये जो x2 है, ये x2 अभी मैंने बोला दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x1, दिस इज ट्वाइस ऑफ x1। इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन बराबर नीचे वाले एंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस ऊपर वाले एंड का डिस्प्लेसमेंट, तो इस पुली का जो एक्सटेंशन है वो है 2x1 और नीचे वाले एंड का डिस्प्लेसमेंट है 2x और ऊपर वाले एंड का डिस्प्लेसमेंट है x1/2, तो -x1/2 हो गया, तो ये हो जाएगा 5x1/2 इज इक्वल टू 2x, तो x1 की वैल्यू हो गई 4x/5, यानी कि x2 जिसकी जरूरत अब मुझे पढ़ने वाली है बराबर 2x1, ये हो गया 8x/5। अब इस m का FBD बना दो, इधर m ले लो और m के साथ जो मासलेस पुली है ऊपर उसको अटैच कर लो, उस पुली का एलोंगेशन हो गया x2, x2 की वैल्यू निकाल लिया हमने, तो इधर से आ जाएगा 8kx/5 और इस साइड भी स्ट्रिंग अटैच है,
तो इधर से भी फोर्स आ जाएगा 8 kx/5, नीचे वेट आ गया mg। इसको डिस्प्लेस किया था हमने a, एक्सलेशन डिस्प्लेस किया था x, एक्सलेशन आ गया a। तो इसका इक्वेशन लिख देंगे एम ए इज इक्वल टू एफ नेट, लेकिन एफ नेट की बजाय मैं लिखूंगा एफ रिस्टोरिंग, क्योंकि मुझे सिर्फ टाइम पीरियड से मतलब है। तो एम ए इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन में हो गया रिस्टोरिंग फोर्स होता ही है, तो -16 kx/m/5। तो ए की वैल्यू आ गई -16 kx/m/x, जो ब्रैकेट में दिख रहा है ये इसका ओमेगा स्क्वायर है, यानी कि हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा t=2π√5m/16k। तो ये सिस्टम के टाइम पीरियड का हमने एक्सप्रेशन निकाला। तो दिस इज ऑल फॉर मी फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम पे ही कंटिन्यू करेंगे, स्प्रिंग मास सिस्टम का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम देखेंगे कि किसी तरह से एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो ऑसिलेट कर रहा है उसके ऊपर कुछ और मास रख दिया जाए ऑसिलेट करते हुए, तो उसका एम्पलीट्यूड में क्या फर्क पड़ता है, ओमेगा में क्या फर्क पड़ता है, या मूव करते हुए किसी SHO को थोड़ा सा इम्पल्स लगा दिया जाए तो इनके एम्पलीट्यूड में क्या फर्क पड़ता है। सो दैट विल बी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स। प्लीज लाइक एंड डू शेयर। थैंक यू।